हरे कृष्णा राधे राधे। आइए जानते हैं 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार का पंचांग। सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:48 पर, चंद्रोदय होगा 9 सितंबर को सुबह 1:20 पर, चंद्रास्त होगा दोपहर 2:21 पर, तिथि रहेगी नवमी शाम को 5:30 तक, उसके उपरांत दशमी लग रही है, नक्षत्र रहेगा मृगशिरा दोपहर 12:09 तक, उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र लग रहा है, योग रहेगा सिद्धि रात्रि 10:07 तक, उसके उपरांत वैतिपात योग लग रहा है, करण रहेगा गर शाम को 5:30 तक, उसके उपरांत वड़िज 9 सितंबर की सुबह 6:20 तक, उसके उपरांत वृष्टि वार रहेगा शुक्रवार, पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:52 से सुबह 5:38 तक, प्रातः संध्या सुबह 5:15 से सुबह 6:25 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 1:01 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:29 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 6:48 से शाम को 7:11 तक, सायं संध्या मुहूर्त शाम को 6:48 से शाम को 7:57 तक, अमृतकाल रहेगा 9 सितंबर की सुबह 3:29 से 9 सितंबर की सुबह 5:14 तक, निशीथ मुहूर्त रहने वाला है 9 सितंबर की सुबह 12:13 से 9 सितंबर की सुबह 12:59 तक। अशुभ समय की बात करें तो राहु काल रहेगा सुबह 11:03 से दोपहर 12:36 तक, यमगंड होगा दोपहर 3:42 से शाम को 5:15 तक, आडल योग सुबह 6:25 से दोपहर 12:09 तक, विडाल योग होगा 12:09 से 9 सितंबर की सुबह 6:25 तक, गुलिक काल होगा सुबह 7:58 से सुबह 9:30 तक, दूर मुहूर्त होगा सुबह 8:53 से सुबह 9:43 तक, उसके उपरांत दोपहर 1:01 से दोपहर 1:50 तक, भद्रा रहेगी 9 सितंबर की सुबह 6:20 से 9 सितंबर की सुबह 6:25 तक, दिशाशूल रहने वाला है पश्चिम दिशा में, दिशाशूल यात्रा हेतु विचारा जाता है, जिस भी दिशा में दिशाशूल हो उस दिशा की यात्रा अनिष्टकारी मानी जाती है। अग्निवास होगा पृथ्वी में, अग्नि का वास पूजा यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि में देखा जाता है, अग्नि का वास जब पृथ्वी पर हो तो यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी बताई गई है। शिव वास होगा सभा में शाम को 5:30 तक, उसके उपरांत क्रीड़ा में शिव का वास रुद्राभिषेक हेतु देखा जाता है, शिव का वास जब कैलाश पर नंदी के साथ और गौरी के साथ हो तब यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी बताई गई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।